ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओगे तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा रिव्यू देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले लेते, अब पर्सनली आगे तो ज्यादा नॉलेज मिलता है। वेरी गुड। मतलब अच्छा, यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, मतलब डायरेक्ट मिल गया था क्या? जैसे आपने मैंने पहले भी मैसेज किया था, उसके बाद देखते ही बोला सर ने, तो फिर मैंने बहुत बार फोन किया सर को, तब जाके आपको मिला। अगर आप मुझे तो दोस्तों, हमारे सारे के स्टूडेंट, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम देवेंद्र बम है, मैं नेपाल से आया। आप ये बताइए, नेपाल से जबलपुर क्यों इतनी दूर? आप भोपाल, आप दिल्ली जा सकते थे, आप मुंबई जा सकते थे, आप जबलपुर क्यों आए? नहीं सर, तो आपका वीडियो देखते थे, उसमें आप बहुत कुछ सिखाते थे, उसमें जो आप ट्रेसिंग करने का नॉलेज बताते थे वो खाली आधा बोलते थे, तो हमको लगता था जो आधा में इतना समझ पाते तो वहां जाएंगे तो पूरा समझ जाएंगे, इसलिए यहाँ, इसलिए यहाँ पे आया। अच्छा, जब आप वहां से निकले होंगे तब आपसे लोगों ने बोला था क्या कि यार एक महीने में क्या सीख पाओगे, थक जाओगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होता ना सर, स्टूडेंट जाते हैं बहुत जगह इंस्टीट्यूट होती है तो वहां से नहीं सीख पाते, तो बोलते सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, स्टूडेंट अपने व्यू बना लेते हैं, उनको लगता है कि किसी एक जन ने हमको ठगा तो वो पूरा हिंदुस्तान हमको ठग रहा है, सीधी सी बात है, तो वो सबको एक तराजू में तोल लेते हैं। तो आपने उसके बाद भी फिर आपने विश्वास रखा, अपने दिल की सुनी, दिल की सुनी कि यार होगा तो देखी जाएगी, पर मेरा तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। हाँ, मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं, भाई भी नहीं देते थे हमको। अच्छा, बोल भाई किधर है, आप कब से काम कर रहे थे? हो गया सब तीन साल। तीन साल में। और आप पहले क्या काम कर लेते थे? पहले थोड़ा सर्किट देख लेते थे, थोड़ा नॉर्मली कहाँ से जा रहा है क्या जा रहा है, कनेक्टर चेंज कर लेते, मतलब वो आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं था, काम कर लेते थे लेकिन नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं था। और अब आपने क्या अंदर है, आपका कोर्स पूरा हो चुका है, जो भी मोबाइल हो कर लेंगे अब तो। अच्छा, जिसको बोल देते भाई सिखा देना, देना कुछ गिफ्ट दे उसको, अब तो तू चाहिए तो तू ले मेरे से, ये बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में कोई नेपाल में, आप जहाँ नेपाल में, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे और आपसे बोले कि भाई मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम मुझे सिखा दो, क्या तुम उसे सिखा सकते हो? इतना कॉन्फिडेंस सिखा सकते हो आराम से उसको, कॉम्पिटेंट की पूरी नॉलेज जो हमने आपको दी है, जो आपने सिखाया सर वो लेवल, उतना आपका लेवल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने सिखाया वो ट्रिक से हम ज्यादा कुछ सिखा सकते हैं। मतलब उसको एटलीस्ट उन इंस्टीट्यूट के ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं जहां से वो बेचारा थक कर आए, एटलीस्ट है ना, ताकि वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका कमेंट्स है और ये बहुत दिल से दिया जा रहा है ना, और ये कॉन्फिडेंस के साथ है कि आपने बड़बुलापन नहीं कि नहीं सिखा देंगे आ जाएगा, तो क्योंकि हाँ हमको पता है हम सिखा सकते हैं, क्योंकि वो सी चीजें हमने यहाँ पे नॉलेज ली है यहाँ पर। सो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे लोगों से जो बातें करते हैं कि महीने में नहीं सीख सकते, या क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों से जो अभी सोच रहे हैं कि यार सर हम एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या देखे उसमें? फर्स्ट तो सर टीचर कितना हार्ड वर्क कर रहा है उसमें, और उसका रिव्यू कितना है, क्या है टेक्नीशियन, कैसे वहां से निकलते तो कितना काम कर पाते हैं, वो भी देखना चाहिए। तो ये सारी चीज देखनी चाहिए। आप जब यहाँ पे डेमो क्लासेस लिया तो आपको क्या दो दिन में क्या पता चला यहाँ पर वाकई में कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सर पढ़ना चाहिए था आपको, और आपके साथ जो जितने भी स्टूडेंट है वो सारे खुश थे कि सिर्फ आप ही खुश थे? सब खुश है सर, सब खुश है, कोई नहीं कि मैं खाली नहीं, सब सबका रिव्यू। अच्छा, ऐसे रिव्यू आपने भी तो पहले देखे होंगे ना हमारे वीडियो में, आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओगे तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा रिव्यू देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले लेते, अब पर्सनली आगे तो ज्यादा नॉलेज मिलता है। वेरी गुड। सो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जैसे लोगों पर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि वही बच्चा और वही अपनी जिंदगी में सक्सेस कर सकता है जो अपने दिल की सुने, क्योंकि लोग तो खींचने के लिए होते ही और लोग तो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने के लिए होते हैं, और आपने इतनी निगेटिविटी के साथ साथ भी अपने दिल की सुनी और आपने आगे बढ़े और हमको चुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इतनी दूर हमको भरोसा करने के लिए, और यहाँ से सीख के गए आप,
और मैं बस यही चाहता हूँ कि आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम कमाए और इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप वहाँ के लोगों को सिखा सके। मैं तो यहाँ आने के लिए राजेश सर को स्पेशली मेरे सर जैसे भी क्लास चाहिए बोल के मैं आया था। मतलब अच्छा यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, मतलब डायरेक्ट मिल गया था कि जैसे आपने पहले भी मैसेज किया था उसके बाद देखते हैं बोला सर ने, तो फिर मैंने बहुत बार फोन किया सर को तब जाके आपको मिला। अगर आप मुझे कॉल करते हो मैं आपको फिर लगातार कॉल करता रहता, नहीं तुम तो आ जाओ मैं तुम्हारी फीस को कम कर दूंगा, एक मैसेज भेजेंगे तो कल आएगा परसों आएगा रिप्लाई को कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ भी रिप्लाई आता है यहाँ पर बहुत सारे आसानी सर को फोन कर लेता था तो कभी कभी रिसीव भी हो जाता। अच्छा थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए और दिल से बोलने के लिए, आप ये सब बातें दिल से कह रहे हैं यहाँ पर, दिल से कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे हैं इसे टेलीग्राम का चैनल, दोस्तों हमने ईएमसी का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसीए रिबॉल करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टेड आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूअल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फोन आते हैं और डैड फोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डैड बोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीजन है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम ईएमसी आईसी कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी ईएमसी आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमसी आईसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी सेट से आप ईएमसी आईसी निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें ईएमसी आईसी के नंबर के हिसाब से तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों ईएमसी अपग्रेड की बात करूं या फिर ईएमसी यहाँ पर डैडबोर्ड रिपेयर की बात करूं तो आप यहां पर आ सकते हैं, कोर्स की फीस हमारी काफी कम है, अगर आपको कोर्स की फीस जाननी है तो आप हमें, अगर आपको कोर्स की फीस जानना है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा तो आप एसएमएस कर सकते हैं, लिखिए ईएमसी डिटेल करके बस एसएमएस डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहां आ सकते हैं, यहां पर हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहां पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी, 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी और डेली यहां पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीजें के लिए आप यहां पर आ सकते हैं बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्पोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कॉम्पोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा एक महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए जहां पर हम आपको टोटल कॉम्पोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसे टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था जो कि प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप गूगल पर डालिए देवेंद्र अग्रवाल तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो जो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। एडवांस मोबाइल जो है अच्छे से वो निकली सीखिए, जो डाटा का वहां फायदा है, जो तुम्हारा कहता है सेल्स है तुम्हारा ऑनलाइन हो जाए, ये वीडियो का खाली तुम्हारा लिंक जो है पहले एक बार क्लिक करा आज तुम्हारा है तो भी परचेस कर सकिए। अच्छा यहाँ पर फंड तुम्हारा जो है तो पूरा डिटेल जो भी काम करता है जो नहीं करता है कंपोनेंट लेवल पर ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसे टेलीकॉम सर्च करें, एसे टेलीकॉम लिखें और एसे टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगी। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। अमेज़न 1001 इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन।